हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा सेकेंड वीडियो है। सो, अभी मैं फिलहाल अपने रूम में हूँ। तो आप लोग, जैसे मैं बता रहा था, फ्लड का समय है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को कि दिखाया फ्लड में, हम लोग नाव सवारी में भी गए थे। पर अभी आप लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, देखोगे? घर के अंदर पानी आ चुका है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ। सो, आप देख सकते हो जितना भी कुछ सामान है सब ऊपर रखा गया है। ये मेरा पापा का डीजे, डीजे अभी सोफा में बैठ के बज रहा है। देखो, पानी ही पानी है, घर के अंदर भी पानी घुस चुका। और अभी फिलहाल हमारा किचन यहाँ पे बाहर शिफ्ट हुआ है, तो जितना भी कुछ बन रहा है, कल हम लोग ने बाहरी खाया, बाहरी बना के खाया। अभी ये मम्मी का बेडरूम है, मम्मी के बेडरूम में भी सब कुछ पानी पानी आपका इतना इतना होता है मम्मी का यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी नहीं है, थोड़ा सा, तो सभी यहीं पे बैठ रहे हैं। सुबह का मौसम है, सुबह का समय है। मौसम अभी ठीक हो रहा है, इतना ज़्यादा खराब नहीं है अभी फिलहाल, थोड़ा सा धूप निकल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा किचन है, किचन में ये देखिए। मुझे पता नहीं आप लोगों को हंसी आ रही है या क्या आ रही है, बट मुझे बड़ा हंसी आ रही है ये फ्रिज को देख के। फ्रिज ऊपर एक ऊपर के बड़े एक ऊपर और टसे, तो फ्रिज में ज्यादा कुछ है नहीं अभी, बस कुछ चीजें ही हैं। तो सब कुछ गैस वेस सब कुछ सिलेंडर विलेंडर सब कुछ उठा उठा के रखा गया है यहाँ पे। ये किचन है, किचन में भी पूरा पानी है। इधर थोड़ा गहरा है पानी, वो जो प्लेस है थोड़ा सा गहरा है इधर, सो इसलिए इधर थोड़ा पानी ज्यादा है। तो जितने भी चावल वावल है सब कुछ यहाँ पे ऊपर रखा गया है स्लेब के ऊपर। यहाँ पे पानी ही पानी, पहले वाले वीडियो में इतना पानी नहीं था, पर पानी इंक्रीज होने की वजह से बहुत पानी हो गया है। और हमारे, मैं आपको पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ फिर से। ओके, तो कल ये हमारा वो है, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे हैन रखते हैं, बट क्या हुआ कल रात का, रात के 9 बजे 9-10 बजे मान में ये टूट गया, और टूट के उधर पानी में गिर गया। गिरने की वजह से तीन हैन मर गए। ये हमारे दो बड़े बड़े सागोली हैं। और मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि, आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि लोगों को, लोग कैसे अफेक्ट हो रहे हैं इस फ्लड से। हम लोग का तो कुछ नहीं है, हम लोग जैसे रह रहे हैं वो तो थोड़ा सा ही है, बट लोग जिनका घर थोड़ा सा नीचे लेवल में है, हम लोग थोड़ा सा, अभी हमारा घर थोड़ा सा अपर लेवल में है, बट जो गहरे वाले जगह में रहते हैं उनका अभी हाल बहुत खराब हो रखा है। वो लोग अभी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। मैं आपको लेके जाऊंगा आज दोपहर को। सो, मैं अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। एज मैंने बोला था, किचन हमारा शिफ्ट हो गया है, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट जो है, चावल को मैंने ग्राइंड कर लिया है, मिक्स कर लिया है, और मैं इसे पीठा बनाने जा रहा हूँ। यह हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है आज का। तो मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया है चावल के गुड़ी को, इसको हमें अच्छे से अभी एक शेप देना होगा रोटी का। थोड़ा सा मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो ये लगभग तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। तो
थोड़ा सा फट भी गया है। सो अभी सबका ब्रेकफास्ट हो गया, अभी पानी लेने जा रहे हैं हम लोग। पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है बिकॉज पानी में आपका ये हमारे जो वेल है, वेल में पानी घुस गया है। तो मैं बकेट मैंने ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ। हमारा जो वो वेल है, कुआं, ये जो कुआं है, कुआं में पानी घुस गया है, तो इसीलिए हम लोग का अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है पानी का, खाने वाला पानी का। तो मैं अभी अपने ताऊजी की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ से वो पानी लाना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली कुछ कहना चाहता था, मेरे जो पिछला वीडियो था उसमें सभी जितने भी व्यूअर्स थे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, सभी ने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, जिन्होंने भी मुझे समझाया कुछ चीज़ें, लाइक वीडियो कैसे करना है, उन सभी को थैंक यू मेरा, और इतना प्यार देने के लिए सभी को ही थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो अभी जैसे देख सकते हैं थोड़ा सा सन निकल के आया है, धूप निकल के आया है, तो अभी जो है पानी है थोड़ा सा कम रहा है। तो मैं अपने ताऊ जी के घर के यहाँ तक आ पहुँचा पानी लेने, तो मैं अभी पानी लूँगा। तो ये दो बाल्टी पानी लेके आ गया मैं, वो हो रहा है। जैसे कि आप सुन सकते हैं कुकर रेसिपी लग चुका है, ये आज फ्लड का तीसरा दिन है और हमारे यहाँ से पानी निकल गया। तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट बन रहा है, सभी के लिए रोटी बन रहा है, उधर सब्जी बन रहा है, तो मैं रोटी बेल रहा हूँ। यहाँ पे फिलहाल करीबन 8 जन है, 5 जन के लिए रोटी बना रहा हूँ, तो मैं भी बना रहा हूँ फिलहाल। तो बहन है सेके की, वो जैसे कि मैंने बोला था आप सबको मैं लेके जाऊंगा फ्लड रिलीफ कैंप में, आज हम लोग दोपहर को जाएंगे, तो देखते रहिए। सो अभी हम लोग, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को रिलीफ कैंप तक लेके जाऊंगा, आज मैं रिलीफ कैंप तक आ गया फाइनली। हम लोग नाव में आए हैं एंड यहाँ पे आज बोला गया है कि गवर्नमेंट के तरफ से कुछ वो दिया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ राशन पानी देंगे, तो वही लेने आया हूँ। यहाँ पे जैसे लोग का भीड़ इकट्ठा हो रखा है, ये यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, आपका ये गवर्नमेंट से रिलीफ दिया गया फट सकते लोगों के लिए, तो यहाँ पे लोग कुछ ले रहे हैं। और उधर की तरफ और एक तरफ है जहाँ पे एनिमल्स के लिए रिलीफ दिया जा रहा है, जैसे भूसा हो वो सब दिया जा रहा है। ये इंसानों के लिए है और एनिमल के लिए दूसरे जगह में दिया जा रहा है। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो जिनके घर में पानी घुस चुका है, मैं वो यहाँ पे, ये एक्चुअली ऊंचा जगह है हमारे गांव में, सबसे ऊंचा जगह है, तो ये यहाँ पे लोग रह रहे हैं। घर में पानी पोसो कभी दिन भयो हजूर शनिवार, 4-5 दिन हो गया यहाँ पे लोग ऐसे रह रहे हैं, फ्लड है तो सबके घर में पानी घुस गया है, तो इसलिए ऐसे अपने अपने ब्लॉक्स बना के रह रहे हैं सभी। यहाँ पे भूसा दिया जा रहा है, हुआ ये एनिमल के लिए भूसा।
हिस्सा दिया जा रहा है। तो एक्चुअली फ्लड में बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल्स जितने भी गाय हैं सभी यहाँ पे। एक्चुअली हमारा वीकली मार्केट है जो थोड़ा बहुत ऊँचा है। यहाँ पे हर टाइम जब भी फ्लड आता है तो जितने भी गाँव के लोगों के आपके ये गाय हैं या फिर लोग हैं जिनका भी घर डूब जाता है पानी में, तो वो लोग आके यहाँ पे रहते हैं और उनका ये उनका गाय हो, बैल हो, बकरी हो, जितने भी कुछ हैं वो सब यहाँ पे रख देते हैं। और गवर्नमेंट से आज कुछ हेल्प मिला है, वो भूसा मिला है गाय के लिए, और लोगों के लिए भी कुछ दिया जा रहा है यहाँ पे। शायद से गवर्नमेंट कुछ पे करेंगे। लास्ट ईयर ऐसे सुनने में आया है, लास्ट ईयर यहाँ पे दिया गया था, पैसे दिए गए थे जो यहाँ पे थे। एंड तो मैं वहाँ से निकल आया अभी, मुझे वहाँ पे मेरे मूसा जी ने ले लिया हमारा जो गाय के लिए जो रिलीफ आया था। तो अभी मैं हमारे लिए जो रिलीफ आया है गवर्नमेंट से वो लेने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं क्या दिया जा रहा है। ऐसे सुनने में आया है चावल और दाल देंगे, बट देखते हैं क्या देते हैं। अभी टिकट लेना पड़ेगा। और ऐसे ही जितने भी फ्लड अफेक्टेड हो रहे हैं हम सभी यहाँ पे हैं, फिलहाल यहीं पे बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब जैसे भी करके तो रहना तो पड़ेगा ही। तो देख सकते हैं इंसान के लिए यहाँ पे चावल है और दाल दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ आया है फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए। और यहाँ पे इंसान अभी लोग आएंगे, टिकट्स ले रहे हैं उधर, तो टिकट लेंगे और फिर वो जो दिया जा रहा है वो लेंगे। सो ऐसा ही हो रहा है, अभी फ्लड का टाइम है तो लोग ऐसे ही जी रहे हैं। फ्लड अभी डिक्रीज तो हुआ है, अब फिर भी वेदर थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, अभी फिलहाल बारिश हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स को और मैं बनाते रहूँगा वीडियो। तो अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा। थैंक यू।